भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज एक वीडियो अभी आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो को पहले देख लो, इसके बाद आप लोगों से कुछ बातचीत करेंगे। पहले वीडियो को क्लिप देखो, ठीक है? ऑस्कर तक चली गई, वो सारे साले माधवचोद कैरी बाबा तक नहीं पहुंचे, हमारे प्यारे झांट वाले लौंडे बाबा तक नहीं पहुंचे। हाय हमारे कैरी बाबा, हमें जरा ज्ञान दे, हमें जरा समझाए जो क्या होता है कंटेंट। मादर चोद हमारी वीडियो को उठाता है, अपने वीडियो में डालता है और उस पर चार बार बैनचोद 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 बोलता है, मादर चोद मादर चोद मादर चोद बोलता है और कहता है ये कंटेंट है। और फिर गाना चलाता है, देख तेरा बाप आया साले गांडू, तू बाप है बे साले। मुझे तो शक हो रहा है कति पैंट खोलने पे तेरे अंदर कुक्कू का जादू ना निकल जाए। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है, आप लोगों को कैसा लगा है आप लोग कमेंट करो जरूर जरूर। आप लोगों को इस वीडियो को अच्छा नहीं लगा हुआ, मैं इस लड़की के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये लड़की इतना गंदी है। इतना मैं हर लड़की को नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ जो लड़की ने गंदी वर्ड यूज किया है, जिसने इस वीडियो को बनाया उसको मैं बता रहा हूँ। देखो लड़कियों को हम लोग सम्मान करते हैं, लड़कियों को हम लोग इज्जत करते हैं। आज मेरा भी बहन है, अगर किसी बहन को किसी लड़की को इज्जत नहीं करेंगे तो हमारा बहन को भी कोई इज्जत नहीं देगा। लेकिन इस लड़की ने जो काम किया है ना, जो इसने हरकत किया है, इसको इज्जत की लायक है नहीं हो, उसको एक्सपोज करना सबका काम है। आप लोगों को मैं एक विनती करता हूँ, एक अनुरोध करता हूँ, इस वीडियो को बहुत शेयर करो, इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि इस लड़की को शर्म आ जाए। इसने वीडियो डाल, मेरे को इस वीडियो को मैं यूट्यूब में देखा हूँ, देखने के बाद मेरा ना सर फूट गया है कि एक लड़की इतना गंदे गंदी मतलब वर्ड बोल रही है, वो भी सलाह सरियाम यूट्यूब में आके बोल रही है, इस तरह से गंदी वर्ड यूज कर रही है। और इतना बड़ा कैल्विनाटी को इतना लोग सपोर्ट करते हैं, कम से कम उसका अभी 2 करोड़ होने वाला है सब्सक्राइबर, इतना लाखों करोड़ों लोग उसको सपोर्ट करते हैं, उसको इतना गंदी गंदी गाली दे रहा है वो भाई को। इस तरह से मैं इस लड़की को, अगर मेरा वीडियो इस लड़की तक पहुंचा है ना, तो मैं कहना चाहता हूँ कि बहन आप सुधर जाओ, आप सुधर जाओ। इस तरह से गंदी गंदी आप लोग वीडियो मत डाला करो यूट्यूब में, आपको देख के लोग इस पर आपको देख के लोग क्या सीखेंगे, बच्चे क्या सीखेंगे। आप लोग आप इस तरह से वीडियो डालोगे तो लोगों को क्या संदेश जाएगा, इतने बड़ी हो गई हो आप, आपको अकल नहीं इस तरह से वर्ड यूज करते हो कि आप लोग आपका वीडियो कितने लाखों लोग देखते होंगे। तो मैं दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करो दोस्तों और लोगों तक पहुँचा दो। ये लड़की ने जो हरकत किया ना, उसको सजा उसको मिलना चाहिए। और दोस्तों मैं जो किसी लड़की का मतलब किसी लड़की को मैं इंसल्ट नहीं करना चाहता हूँ, मेरा भी बहन है, अगर मैं किसी लड़की को इंसल्ट करूंगा तो मेरा बहन को भी कोई सम्मान नहीं करेगा। लेकिन इस लड़की ने जो गंदा हरकत किया है ना, जो गंदी गंदी वर्ड बोला है ना, वो हाथ कर दिया, ऐसा गंदा वर्ड मैंने जिंदगी में नहीं सुना। वो भी सरेआम बोल रही है यूट्यूब में आके, इस तरह से वीडियो डाल रही है। अगर वो इस तरह से हरकत करेगी ना, इस तरह से कभी भी हरकत नहीं करना चाहिए, और इस तरह से सरेआम नहीं बोलना चाहिए, किसी को गाली नहीं देना चाहिए। मैं बोलता हूँ इस लड़की को कि संभाल जाओ, नहीं तो लोग तुम्हें संभाल देंगे। अगर लोगों के पास इतना पावर है ना, लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो मैं ही कहना चाहता हूँ यार, इस तरह से हरकत मत कर, क्या करो यार, आपका भी फैमिली, आपका भी इज्जत है यार, आप फैमिली का नाम डुबा रहे हो इस तरह से। आपको आपका माँ बाप ने आपको पैदा किया, आपको दुनिया में लाया, ये सब इन लोग अगर ये वीडियो देखेंगे तो क्या बताएंगे, इन लोगों का इज्जत दुनिया के सामने क्या होगा, नीचे हो जाएगा। अगर आप अच्छा काम करो यार, माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, इस दुनिया पे लाया है कि हमारा बेटा हमारा बेटी अच्छा काम करेगा, नाम करेगा, हमारा भी नाम करेगा। लेकिन आप लोग इस तरह से हरकत कर रहे हो, इस तरह से मत करो यार, इस तरह से गाली किसको मत दो यार, वो भी सरेआम गाली दे रहे हो, ठीक नहीं है। और मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। देखो मैं किसी लड़की को इज्जत से खिलवाड़ नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट इस लड़की को समझा रहा हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलता हूँ, यहाँ पे एंड करता हूँ। थैंक यू।